सो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसे कौन कौन से एप्लीकेशन थे जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिए। तो उसी के साथ साथ अगर आपने इस वीडियो को देखा नहीं है तो ऊपर आई बटन पर उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक दी है, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स के बारे में बताने वाला हूँ जो मेड इन चाइना है और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चाइना है वो उसके 70% जो इकोनॉमी चलती है वो इंडिया बेस्ड चलती है। तो यहाँ पे दोस्तों, चाइना के ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन के ब्रांड हमारे इंडिया में बिकते हैं। अगर हम इस सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स के बारे में जान लेंगे तो आप इसे आगे चलकर परचेस नहीं करोगे, क्योंकि हमें चाइना को बॉयकॉट करना है, चाइना के किसी भी प्रोडक्ट्स को हमें परचेस नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कौन कौन से स्मार्टफोन्स के ब्रांड है जो हमारे इंडिया में बिकते हैं पर वो मेड इन चाइना नहीं है या फिर मेड इन इंडिया है। तो अगर आपको उस सारे स्मार्टफोन्स की डिटेल्स चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इंद्रनील, आप देख रहे हैं टेक्निकल थ्रेड्स यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सब चाइनीज जो ब्रांड्स है स्मार्टफोन्स के, उसमें सबसे पहले आता है वीवो। सो वीवो एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फ़ोन्स बिकते हैं वीवो के, और वीवो की काफ़ी ज़्यादा गैलरीज हमारी इंडिया में ओपन हो चुकी है। अगर हमें बॉयकॉट करना है तो सबसे पहले वीवो को बॉयकॉट करना होगा, वीवो को परचेस नहीं करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ओप्पो की। तो ओप्पो भी एक चाइनीज़ ब्रांड है, ओप्पो कैमरा फ़ोन से भी हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर हम कैमरा की बात करें तो यहाँ पर ओप्पो हमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, पर यहाँ पे दोस्तों ये भी चाइनीज़ स्मार्टफोन होने की वजह से हमें इसे परचेस नहीं करते। इसके बाद हम बात करते हैं रियलमी की। तो रियलमी भी एक चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड है, काफ़ी ज़्यादा इंडिया में फेमस ब्रांड है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस स्मार्टफोन्स को परचेस कर चुके हैं, पर अभी से इस स्मार्टफोन्स को हमें परचेस नहीं करना है क्योंकि मेड इन चाइना है, हमें मेड इन इंडिया को यूज़ करना है। इसके बाद गाइज, हम बात करते हैं काफ़ी फेमस ब्रांड जो है शाओमी। शाओमी भी एक चाइनीज़ ब्रांड है, काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है इंडिया में, और इसके साथ हमें इस ब्रांड को बॉयकॉट कर देना है क्योंकि इस ब्रांड के काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन्स हमारे इंडिया में। इसके बाद बात करते हैं वन प्लस की। तो वन प्लस एक काफ़ी फेमस ब्रांड है, तो इसके काफ़ी महंगे स्मार्टफोन्स हमें मार्केट में मिलते हैं। आप एप्पल परचेस कर लीजिए या फिर कोई भी स्मार्टफोन परचेस कर लीजिए, पर आप वन प्लस परचेस मत कीजिए क्योंकि इसके सिक्योरिटी का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ये चाइनीज़ ब्रांड है इसके लिए हमें इसको परचेस नहीं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं वावी की। तो वावी एक अमेरिकन ब्रांड है पर इसका जो सर्वर है वो चाइना में है। इसके साथ साथ वावी अपने स्मार्टफोन्स को ओनर के नाम से भी बेचता है। तो गाइज, अगर आपको स्मार्टफोन्स लेना है तो ओनर या वावी किसी का भी स्मार्टफोन आप मत लीजिए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगले ब्रांड की बात करते तो वो है लेनोवो। लेनोवो भी एक चाइनीज़ ब्रांड है, काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है हमारे इंडिया में। लेनोवो के काफ़ी ज़्यादा लैपटॉप्स, कंप्यूटर, पीसी लेनोवो के काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडिया में मशहूर है। उसके लेनोवो काफ़ी ज़्यादा अपना कब्जा कर चुका है मार्केट में, पर आगे से गाइस हमें लेनोवो के कोई भी स्मार्टफोन्स को परचेस नहीं करना। इसके बाद बात करते हैं जियोनी की। तो जियोनी भी एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है स्मार्टफोन्स का। यहाँ पे दोस्तों, इंडिया की बात करें तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जियोनी के स्मार्टफोन्स बिकते हैं, इसे भी हमें परचेस नहीं करना, ये चाइनीज़ ब्रांड। इसके बाद गाइस हम बात करते हैं मेज़ो की। तो मेज़ो एक नॉन पॉपुलर ब्रांड है चाइना का, चाइना में भी फेमस है पर इसके भी स्मार्टफोन्स कुछ हद तक हमारे इंडिया में लॉन्च हो गए हैं, तो पर हमें इसको परचेस नहीं करना है, ये चाइनीज़ ब्रांड। तो गाइस, ये थे कुछ चाइनीज़ ब्रांड जिनको हमें परचेस नहीं करना है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कौन से इंडियन ब्रांड्स है जो आप परचेस कर सकते हैं। आपको अगर परचेस करना हो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स का ब्रांड है, ये ब्रांड्स मेड इन इंडिया है या तो नॉन चाइना है, आप इसे परचेस कर। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग की। सो सैमसंग एक साउथ कोरियन ब्रांड है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्रांड है हमारे इंडिया में, काफ़ी लोग इसके स्मार्टफोन्स परचेस करते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा टाइप के स्मार्टफोन्स हमारे इंडिया में अवेलेबल है। मैं भी सैमसंग का स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ। सैमसंग का अगर आप स्मार्टफोन्स परचेस करना चाहते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं नोकिया की। तो नोकिया एक फिनलैंड की कंपनी है, तो काफ़ी पुरानी कंपनी है नोकिया के, काफ़ी स्मार्टफोन्स हमारे इंडिया में पहले लॉन्च हो गए थे। सो अभी नोकिया काफ़ी ज़्यादा लो रेटिंग्स पर चला गया है हमारे इंडिया में। सो गाइज, नोकिया भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है स्मार्टफोन पर। इसके बाद गाइज हम बात करते हैं माइक्रोमैक्स की। तो माइक्रोमैक्स एक इंडियन कंपनी है, काफ़ी हद तक ये भी अच्छी कंपनी है, पर इसके भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की वजह से जो रेटिंग्स है वो कम हो गई है। अगर आपको उस माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन्स बाय करने हैं तो आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे ब्रांड है और इंडियन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है इस माइक्रोमैक्स की। इसके बाद गाइज हम बात करते हैं इन्फिनिक्स की। तो इन्फिनिक्स एक साउथ कोरियन कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है कोरिया में,
सो गाइस यहाँ पर हम बात करें तो ये कंपनी काफ़ी पॉपुलर नहीं है और इसके भी स्मार्टफोन्स हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेस कर रहे हैं क्योंकि ये नॉन चाइना। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे बड़ा स्मार्टफोन और सबसे महंगा स्मार्टफोन और क्वालिटी में बात करें तो सबसे अच्छा स्मार्टफोन है जो हमारे हैं एप्पल। एप्पल का कौन नहीं जानता, सभी का ड्रीम रहता है कि हमें एप्पल का स्मार्टफोन चाहिए, एप्पल का ही हमें लेना है, एप्पल का मैक, मतलब कुछ भी आपको इक्विपमेंट्स परचेस करना है तो वो एप्पल के परचेस करने का ही आपका ड्रीम हो। इस स्मार्टफोन को भी परचेस कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है पर अगर आप इसे परचेस करते हो तो एक बात का ध्यान रखिए, इस पर आप लेबल देख लीजिए कि मेड इन चाइना है या फिर मेड इन इंडिया है, क्योंकि इसका चाइना में भी फैक्ट्री है, वहाँ से भी ये स्मार्टफोन्स बनाए। दोस्तों हम बात करते हैं सोनी की, तो सोनी एक जापानीज कंपनी है, काफ़ी फेमस कंपनी है। सोनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर LCDs, LEDs या DVD प्लेयर्स या हेडफोन्स, स्मार्टफोन्स, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में सोनी के। अगर आपको स्मार्टफोन्स परचेस करने हैं तो सोनी के आप स्मार्टफोन्स परचेस करें। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं लावा की, तो लावा एक इंडियन कंपनी है, काफ़ी फेमस कंपनी थी लास्ट टाइम। और यहाँ पे अगर हम रेटिंग्स की बात करें तो लावा भी अच्छी खासी क्वालिटी हमें प्रोवाइड करता है। लावा ने पिछली बार कुछ ज़ोलो नाम से भी अपने स्मार्टफोन्स मार्केट में बेचे थे, तो ज़ोलो और लावा एक ही कंपनी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स वो बनाती है। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो धीरे धीरे स्मार्टफोन्स को इम्प्रूव करें। इसके बाद गाइज हम बात करते हैं आसूस की, तो आसूस एक ताइवान कंपनी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपनी, उसके स्मार्टफोन्स भी काफ़ी हद तक अच्छे रहते हैं। अगर आपको स्मार्टफोन्स को परचेस करना है तो आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेस कीजिए, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद गाइज हम बात करते हैं मोटोरोला, तो ये भी काफ़ी पुराना ब्रांड है, इसका हेडक्वार्टर US में है, इन्होंने भी काफ़ी नाम कमा लिया इंडिया में। इस स्मार्टफोन्स को परचेस करते तो सबसे पहले इसका जो लेबल है वो देख लीजिए, मेड इन चाइना है या फिर मेड इन इंडिया है, आप इसे देख लीजिए, उसके बाद ही स्मार्टफोन। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस HTC की, तो HTC एक ताइवान कंपनी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी, इसके भी स्मार्टफोन्स काफ़ी हद तक अच्छे हैं। अगर आपको परचेस करना है तो आप इसे भी परचेस कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं LG की, तो LG एक साउथ कोरियन कंपनी है, काफ़ी हद तक फेमस कंपनी है। LG के काफ़ी ज़्यादा TVs, LEDs, LCDs या फिर DVD, वॉशिंग मशीन, अब कोई भी हाउस होल्ड अप्लायंसेस की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों LG काफ़ी बड़ी कंपनी है। LG भी अभी स्मार्टफोन्स बना रही है, LG के भी स्मार्टफोन्स काफ़ी हद तक अच्छे हैं, आप इसे परचेस कर सकते हैं। सो गाइज इसके बाद बात करते हैं गूगल में, तो गूगल भी अपने जो स्मार्टफोन्स है वो अभी मार्केट में लॉन्च कर रहा है। गूगल भी काफ़ी हद तक अच्छे स्मार्टफोन देने की कोशिश कर रहा है, तो अगर आपको परचेस करना है तो आप गूगल के भी स्मार्टफोन्स ऑनलाइन परचेस। और गाइस सबसे लास्ट हम बात करते हैं इंटेक्स की, तो इंटेक्स भी एक काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है, ये भी इंडियन कंपनी है, अगर आपको परचेस करना है तो इसे कीजिए, काफ़ी हद तक अच्छी क्वालिटी के सर्विस। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ हमारे इंडियन स्मार्टफोन्स के ब्रांड या फिर नॉन चाइनीज स्मार्टफोन। और गाइस सारे ब्रांड्स के मैंने कुछ अच्छे स्मार्टफोन्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए, अगर आपको स्मार्टफोन परचेस करना है तो नीचे जाके लिंक में देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो गाइस गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।